नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने रविवार को राज्य में नगरीय निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है और बताया है कि चुनाव दो चरणों में 4 मई तथा 11 मई को होगा, जबकि 13 मई को मतों की गिनती की जाएगी। राज्य चुनाव आयुक्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उत्तर प्रदेश के 760 नगरीय निकाय चुनाव के अंतर्गत कुल 14,684 पदों पर चुनाव होंगे। इसमें 17 महापौर, 1420 पार्षद, नगर पालिका परिषदों के 199 अध्यक्ष, नगर पालिका परिषदों के 5,327 सदस्य, नगर पंचायतों के 544 अध्यक्ष और नगर पंचायतों के 7,178 सदस्यों के निर्वाचन के लिए चुनाव होगा। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बता दें कि पहले ये चुनाव पिछले साल दिसंबर में होने वाले थे, लेकिन ओबीसी आरक्षण की वजह से चुनाव पर रोक लगी थी और अब मसला सुलझने के बाद तारीखों का ऐलान किया गया है। और भी खास खबरों के लिए बने रहें डीवी न्यूज़ के साथ।